इस देश का सबसे अच्छा दिन तो अभी चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है कि 70 की उम्र में दिल्ली के ठंड में परमिशन नहीं मिला तो जंतर मंतर के बाहर एक पांव पे खड़े होकर के और अपने पैसे के लिए सरकार के बाहर याचना करते हुए खड़े हो, तो इससे अच्छे दिन कुछ चाहिए आपको? नहीं, अच्छे नहीं। आप तो मथुरा के रहने वाले हो, तो राधे राधे करो। राधे राधे तो वहाँ भी करते, यहाँ भी कर रहे हैं। हमारा पैसा बढ़ा है और मोदी जी अडानी को दान कर रहे हैं। पॉलिटिक्स भारत में एक गाली बन गई है। इन्होंने भगवान बांटे, इन्होंने रंग बांटे हैं, रंग भी अलग अलग बांटे हैं इन्होंने कि नीला इसका, हरा इसका, भगवा इसका, लाल इसका। अरे इन्होंने आदमी नहीं छोड़े, रंग नहीं छोड़े, भगवान नहीं छोड़े। एक आंदोलन ऐसा है अरविंद जी जिसने भारत को जोड़ा है। इसमें ना धर्म, जात, पंथ कुछ नहीं है, सब एक है। और सब एक होके आप बांट के करते हो, हमने इकट्ठा करके कुछ करने की कोशिश की है। खाने को तो कुछ भी नहीं है, पहनने को भी कुछ नहीं है, लेकिन अरमान है। अब हमारी एक ही मांग है कि आप लोग के माध्यम से हमारी आवाज़ इतनी फैली है पूरे भारत में, यही है कि अब तो वो सुन लें, अब वो सुन लें। और हम लोगों की जो हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, हम तो उन्होंने वायदा तो किया है, अब झूठा वायदा है या सच्चा वायदा है क्या किया है। हमारा पैसा गमले में डाल रखा है, अडानी को बांट रखा है। उम्र 70 साल हो गई ना? 70 साल है। 70 साल की राजनीति आपने देखी है ना? देखी है जी पूरी। नेता की बात का और बंबई के बरसात का भरोसा कभी हुआ आज तक? नहीं हुआ। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने बटे हुए थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। अब दो ही बटे हुए, मतलब आधे इधर और आधे उधर। अगर आप सरकार के खिलाफ हैं तो देशद्रोही है, सरकार के गुणगान करते रहिए, आप देशभक्त बने रहिए। नहीं, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन वो जाति धर्म, पोलराइजेशन का ही खेल है सर। जाति धर्म के नाम पे जो होता है, ये डेमोक्रेसी है, जनता ही यहाँ पे बॉस है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो इस बुझी राख की जब आग सुलगती है तो न जाने क्या क्या सुहा कर देती है। ये जो महाभारत होने वाला है उसको रामायण में बदल दे, ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई पॉलिटिकिंग करें या कोई राजनीति इसमें करें, हम चाहते हैं हमारा मुद्दा सॉल्व हो। और अगर हमें यहाँ आंदोलन नहीं करने दिया तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सबको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जिले जिले में आंदोलन होगा। दोस्तों नमस्कार। इस देश के कम 75 लाख वो लोग जो EPS 95 के पेंशनर हैं और बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज़्यादा के सारे की उम्र हो चुके हैं, बड़े उम्मीद से इसी दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे थे क्योंकि सदन का सत्र चल रहा था और उम्मीद में थे कि इस बार सरकार जरूर हमारा काम करेगी। और आज जबकि हम 8 तारीख में खड़े हैं और इनके धरने को करीब करीब 9 दिन हो चुका है कर्मिक अनशन का, जो इन्होंने नोटिस दिया था, तो 31 तारीख से ये बैठे हुए हैं। 9 दिन आज हो चुके हैं, अलग अलग राज्य के लोग आए, कल उड़ीसा के लोग आए थे, आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं। कल संसद का सत्र का लास्ट दिन है, हालांकि एक दिन का एक्सटेंशन का मोदी जी ने कहा है कि वो कुछ श्वेत पत्र लाने वाले हैं कांग्रेस के खिलाफ में, तो 10 तारीख की बात है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कल भर का हम टाइम मान के चल रहे हैं। तो अभी तक तो जो उम्मीद है यार, क्या उसका हुआ वो तो मैं कमांडर साहब से पूछूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ताज्जुब की बात ये है कि कल ये इन लोगों को जंतर मंतर पे घुसने नहीं दिया गया। उड़ीसा से बहुत सारे तादाद में लोग आए थे जिसको लास्ट में ले करके ये चाय पानी कराने के लिए ही इंडिया गेट पे गए थे, वहाँ पे भी इनको बैठने नहीं दिया गया। और टी शर्ट पे कहा गया कि आप प्रोटेस्ट करने आए हैं इसके लिए आपको टी शर्ट खोल के बैठना चाहिए। डेमोक्रेसी है, वे आप टी शर्ट खुलवाएंगे, पैंट खुलवाएंगे, कल को कहेंगे आप ये कपड़े पहन के नहीं चल सकते क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है, ये सब चीज़ें चल रही है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है इस डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पे जनता अपनी विरोध की आवाज़, और वो जनता जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको प्रोटेस्ट करने से भी मना कर दिया जाता है। और जबकि अलग अलग राज्यों से लोग आए थे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जो लोग टीम आई है आज इनकी, जो भी बुजुर्ग हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से बैला जिला से आया हूँ, बस्तर, जो बस्तर जिले से आए। काफ़ी बड़े तादाद पे आप लोग आए हैं। और नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जो जंतर मंतर पे जो क्रमिक अनशन जो कमांडर राउत के नेतृत्व में यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पुलिस और प्रशासन का ये रवैया है कि आप बुजुर्गों से भी सरकार डर रही है, आपको आज परमिशन दिया फिर कैंसिल कर दिया। हाँ, दूर दराज से आप बुजुर्ग आए हैं, ठंड में आए हैं, क्या लगता है कि पहले सरकार का रवैया क्या लगता है आपको, आपके प्रति? ये हमारे प्रति, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उसके प्रति उसको संवेदनशील नहीं है। मतलब हम, मेरा जो विचार बोल रहा है वो हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है। हम लोग को और मतलब ये कर रहा है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कड़क सजा दे रहा है, ऐसी टाइप का लग रहा है मेरे को अनुभव। सरकार जो हमारी बात नहीं सुन रही है, मतलब एकदम अडिग है,
हम उससे निवेदन करते हैं कि इतना दूर दूर से आए हैं, इतना 60 साल की उम्र से, कोई बहुत 80 साल की उम्र से भी हमारे साथ साथ में जुड़े हैं, इनको मतलब उनको मतलब जो मांग है उसकी मांग है, हमारे कमांडर साहब जो मांग कर रहे हैं वो हमारे हम कमांडर साहब के साथ में हैं, पूरे स्टेट के लोग साथ। चलिए, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं आप, छत्तीसगढ़ से आए हैं सर जी, क्या लगता है सरकार का रवैया? काफ़ी टाइम से ये मांग चल रहा है, आज आप लोग क्रमिक अनशन पे बैठे थे, पूरे 30 दिन का प्रोग्राम था, अलग अलग राज्य से लोग आने वाले थे, लेकिन 3-4 दिनों में ही सरकार सख्ते में आ गई और आप तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है, क्या लगता है कि सरकार सीरियस है आपके मुद्दों को लेकर के, जो आप EPS 95 के तहत में 7500 पेंशन की डिमांड करें, मेडिकल की डिमांड करें, क्यों नहीं दे रही है सरकार? जी, मैं मोदी जी से बोलना चाहता हूँ, अरे दोस्त बेनवा न समझ मुझ गरीब को, अरे दोस्त बेनवा न समझ मुझ गरीब को, मेरा खुलूस भी किसी दौलत से कम नहीं, यही अरमान लेके आज मैं जी रहा हूँ सर। खाने को तो कुछ भी नहीं है, पहनने को भी कुछ नहीं है, लेकिन अरमान है। अब हमारी एक ही मांग है कि आप लोग के माध्यम से हमारी आवाज़ इतनी फैली है पूरे भारत में, यही है कि अब तो वो सुन लें, अब वो सुन लें, और हम लोगों की जो हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं उनकी वो जो हमारी मांग है सर कुछ भी नहीं है। हमारी मांग यही है कि जो आज मुझको 700 रुपया मिलता है और 20 साल से ऊपर हो गया, 23 साल एक ना पैसा नहीं बढ़ा, मैं उसमें कैसे जी रहा हूँ? पहले मैं अकेला था, बाद में मेरी पत्नी को उसको संभाला, उसके बाद में पेंशन में जब मैं चला गया तो मैं लड़की की शादी किया, आज मेरे नाती नवासे हैं, लेकिन उनको मैं चॉकलेट भी नहीं दे सकता सर, चॉकलेट भी नहीं दे सकता। कोई 30 साल कोई 40 साल की नौकरी करी है आपको, बेशक कम ये हमारे कैमरे पे ये ठंडे बुझे राख की तरह दिख रहे होंगे, लेकिन दिनकर जी ने क्या कहा है, सदियों की बुझी ठंडी राख जब सुखबुआ उठी, जनता जब कोपल कोपाकुल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय की रथ की घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये डेमोक्रेसी है, जनता ही यहाँ पे बॉस है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो इस बुझी राख की जब आग सुलगती है तो न जाने क्या क्या सुहा कर देती है। एनीवे, आप भी छत्तीसगढ़ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहाँ जॉब करते थे आप ये बताइए? सर मैं हूँ बालमुकुंद विश्वकर्मा और भिलाई स्टील प्लांट में मैं सर्विस करता था। कितने साल नौकरी करी? मैंने 35 साल नौकरी की सर, 35 साल। कितनी तनख्वाह मिलती थी, मतलब एवरेज कितनी तनख्वाह आप पाते थे उस टाइम में? एवरेज नहीं सर, मैं लास्ट बताता हूँ सर, लास्ट मेरा था 90,000 रुपए बतौर टेक्नीशियन। पेंशन कितनी मिलती है एक बताइए? पेंशन मेरे को मिलती 2300 रुपए अभी। 90,000 की तनख्वाह और पेंशन 2300 रुपए, आप कल्पना कर सकते हैं? मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूं कि इन बुजुर्गों को एक मछली की तरह बना दिया गया है, जिसको पानी से निकाल के सीधा ज़मीन पर रख दिया गया कि तुम जिंदा रहो। 90,000 जिसको मिलता हो वो 2300 में गुजारा कर पाएगा, ये आप भी सोच सकते हैं। और सोचना तो उनको चाहिए जो कम से कम 7.5 करोड़ जनता इसी देश में अपना योगदान कर रही है EPFO में, और वो रिटायर्ड होंगे, किसी की 50,000-60,000 तनख्वाह होगी तो उनका क्या होगा? आज 9 दिन हो गए, ऑलमोस्ट खात्मे के कगार पे आ गया संसद। बड़ी उम्मीद के साथ आप भी, और एक जो मैं कह सकता हूं कि जिस लड़ाई का अंत होता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, तो अभी क्या करेंगे आगे, और क्या लगता है आगे कि आपको इस लड़ाई को किस तरह से लड़ें कि सरकार के कानों तक आवाज जाए, खासकर इलेक्शन का भी टाइम नजदीक है, नहीं तो फिर तो 5 साल कोई सुनता नहीं है। नहीं, हम लोग जो अभी आज 9 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, कल से हमें परमिशन भी नहीं मिल रही है, हम अभी जंतर मंतर के सामने सड़क पे खड़े हैं, मतलब देश में अगर हम अपनी बात भी नहीं कह पाए तो कहाँ जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं अभी भी आशान्वित हूँ, आज और कल 2 दिन और हमारे पास है, मुझे यकीन है और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ श्रम मंत्री महोदय को कि आज वो हमें बुला लें और हमारा मुद्दा हल करें और ये जो महाभारत होने वाला है उसको रामायण में बदल दें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई पॉलिटिकिंग करें या कोई राजनीति इसमें करें, हम चाहते हैं हमारा मुद्दा सॉल्व हो, और अगर हमें यहाँ आंदोलन नहीं करने दिया तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सबको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जिले जिले में आंदोलन होगा। आपने कहा कि इस महाभारत को रामायण में तब्दील कर दे, रामायण में भी तो रावण हुआ करता था जिसका वध करना श्री राम को पड़ा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसमें जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं,
तो रामायण और महाभारत की हम बात करें तो रामायण ऐसा से सब गुड्डी गुड्डी चीज उसमें नहीं है कि हम क्योंकि रामायण रामायण में भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे तो किस अध्याय की बात कर रहे हैं आप रामायण की? हमारे आंदोलन में भी गुड़ी गुड़ी चीज नहीं हुई। हम 8 साल से लड़ रहे हैं सर, 10 साल से। यहाँ कितने आंदोलन किए, मुंडन आंदोलन किया, अर्धनग्न आंदोलन किया, भिक्षा मांगो आंदोलन किया, साष्टांग दंडवत किया, वहाँ पे इतना सारा करने के बावजूद ये कोई गुड़ी गुड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन रामायण का अंतिम पोस्टर राम दरबार का आप देखो तो उसमें एक सहिष्णुता नज़र आती है। राम है, सीता है, मुखकमल मिलल लोचनम नीरदाभम नाना अलंकार दीप्तम दधतमुर्जटा मंडनम रामचंद्रम। या ऐसे स्थिति में जहाँ पर हनुमान जी है, लक्ष्मण जी है, भरत है, सब मिलजुल के रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे दिल से मुझे बहुत बुरा लगता है जब सोचता हूँ इन्होंने भगवान बांटे। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स भारत में एक गाली बन गई है। इन्होंने भगवान बांटे, इन्होंने रंग बांटे हैं, रंग भी अलग अलग बांटे हैं इन्होंने कि नीला इसका, हरा इसका, भगवा इसका, लाल इसका। अरे इन्होंने आदमी नहीं छोड़े, रंग नहीं छोड़े, भगवान नहीं छोड़े। एक आंदोलन ऐसा है अरविंद जी जिसने भारत को जोड़ा है। इसमें ना धर्म, जात, पंथ कुछ नहीं है, सब एक है। और सब एक होके आप बांट के करते हो, हमने इकट्ठा करके कुछ करने की कोशिश की है। ये सामाजिक समरसता है और इसको आप आगे बढ़ाइए, इस आंदोलन का आशीर्वाद दीजिए और ये सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं उनको उनका हिम्मत बढ़ाइए। ये भारत बनाएंगे अगला भी, क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक इनकी विचारधारा वो आगे बढ़ाएंगे। आपने बांटने की बात करी तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने बटे हुए थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। अब दो ही बटे हुए, मतलब आधे इधर और आधे उधर। अगर आप सरकार के खिलाफ हैं तो देशद्रोही है, सरकार के गुणगान करते रहिए, आप देशभक्त बने रहिए। नहीं, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन वो जाति धर्म पोलराइजेशन का ही खेल है सर। जाति धर्म के नाम पे जो होता है हर जगह, मैं उसमें बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आंदोलन है वो एकता का आंदोलन है। सभी लोग इकट्ठा है, पूरा भारत इकट्ठा आया, वो भी अनुभवी बुजुर्ग भारत इकट्ठा आया। अब इनकी अगर अपेक्षा आप पूरी नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, ऐतिहासिक भूल होगी। पूरन सिंह जी, आपकी उम्र कितनी है? 70 के करीब हो गई। 70 के करीब है तो इस देश का सबसे अच्छा दिन तो अभी चल रहा है, अमृत काल चल रहा है कि 70 की उम्र में दिल्ली के ठंड में परमिशन नहीं मिला तो जंतर मंतर के बाहर एक पांव पे खड़े होकर के और अपने पैसे के लिए सरकार के बाहर याचना करते हुए खड़े हो, तो इससे अच्छे दिन कुछ चाहिए आपको? नहीं, अच्छे नहीं। आप तो मथुरा के रहने वाले हो, राधे राधे करो। राधे राधे तो वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। हमारा पैसा बढ़ा है और मोदी जी अडानी को दान कर रहे हैं। हम कल की 8 तारीख थी, मैडम से मिले, हेमा मालिनी जी हमारी सांसद है, उनसे कहा मैडम जी आपने 2 बार हमको मिला दिया, तीसरी बार और एक बार मिला दीजिए, मोदी से अपनी बरात निकाल लेंगे, नहीं देंगे तो। उन्होंने ये कहा पहले मैं बात करूंगी और आपका काम करा के रहूंगी। ये तो झांसेबाजी है आपकी। आप अगर मथुरा में अब की बार चुनाव लड़ी तो आपको वोट नहीं मिलेंगे, जो हमारी पेंशन का काम कराएगा उसी को वोट मिलेंगे। परंतु उन्होंने वायदा तो किया है, अब झूठा वायदा है या सच्चा वायदा है क्या किया है? हमारा पैसा गफले में डाल रखा है, अडानी को बांट रखा है। उम्र 70 साल हो गई ना? 70 साल है। 70 साल की राजनीति आपने देखी है ना? देखी है जी पूरी। नेता की बात का और बम्बई के बरसात का भरोसा कभी हुआ आज तक? नहीं हुआ। शेयर मार्केट में सरकार का पैसा, एम्प्लॉय का पैसा सरकार इन्वेस्ट की है, नफा हुआ या नुकसान हुआ तो उस बेस पे पेमेंट होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैं कहीं मोदी साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था, LIC को लेकर विरोधियों ने LIC को लेकर ऐसा कहा वैसा कहा तमाम चीज़ कहा, लेकिन मैं मोदी सीना ठोक के कह रहा हूँ आज LIC का इन्वेस्टमेंट सही हुआ है तो आज LIC को फायदा है, उसका शेयर इतने में बिक रहा है। जब LIC का शेयर बिक रहा है अब बाकी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का भी पैसा उसमें लगा है तो सरकार को इनकम हुआ है, उस पैसे से लोगों का जो हक है, जीने का जो हक है, उस जीने के लिए उनको पैसा देना चाहिए। कथनी और करनी में सीना चौड़ा करने के बजाय कथनी और करनी को एक समानता एक रूपता में जो है लेकर उनको पालन करवाना चाहिए, करना चाहिए, ये मेरा कथन।
कथनी और करनी एक होना चाहिए, फिर नेता कैसे बनेंगे? कथनी करनी एक हो जाएगा तो नेतागिरी आप कर ही नहीं सकते, और मंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। गली मोहल्ले में भी नेतागिरी नहीं कर पाएंगे, झूठ बोलना नहीं आता होगा तो। कथनी करनी एक हो जाए तो फिर नेतागिरी किस बात का? ये तो बाई डिफॉल्ट है, आप नेता नहीं बन सकते क्योंकि आप सच बोल सकते हैं। चलिए एनीवे, तो करंट अपडेट इन शॉर्ट, 31 तारीख से जो इन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था क्रमिक अनशन का, जिसके तहत में कल यानी कि 7 तारीख से इनका परमिशन बंद कर दिया गया यहाँ पे, जिसके तहत ये लोग जगह जगह भटकते रहे। आज 8 तारीख को भी जंतर मंतर पे आए लेकिन इनको अंदर जाने नहीं दिया गया, और जैसा कमांडर राउत जी ने कहा है कि इनका प्रोटेस्ट बदस्तूर जारी रहेगा और अलग अलग तरीके से अभी अपने अपने राज्यों में ही प्रोटेस्ट करेंगे। आखिर 60 साल से ज़्यादा की उम्र की लोगों को रोड पे भटकाना या किसी प्रोटेस्ट प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़े, तो क्या वो देश विश्वगुरु बन सकता है? और क्या उससे प्रभु श्री राम खुश हो सकते हैं जो राम की राजनीति करते हैं? उन्हीं से ये सवाल है। ये सवाल आपके लिए भी है कि आने वाला वक्त अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो कैसा होने वाला है, उसका एक नज़ारा है। ये सोच के देखिएगा इस वीडियो को। नमस्कार।